की इतिहास से विख्यात और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं पुरुष महान पुरुष दिवंगत पुरुष महामानव के उस कार्य के योगदान के वजह से स्वर्गीय लाल हमरव जिसने इस संथाल परगना महाविद्यालय दुमका का जिसने वो संस्थापक जिसने इस कॉलेज का नींव रखा है। गुजारिश करूंगा जोरों की तालियों के साथ स्वागत किया जाए गोल्ड फाइनल के लिए लाल हेम्ब्रम मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के आज टीम मैदान के अंदर जाते हैं। अब मैं चाहूंगा खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए सबसे आगे आगे रह गए हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वर्गीय लाल हेम्ब्रम के हमारे जो सदस्य उनके परिवार के सदस्य साथ ही साथ हमारे वीसी मैडम और साथ ही साथ हमारे प्राचार्य और स्वर्गीय लाल बाबा हेम्ब्रम रेन गौरव कोड़ा और आनुई दो चाहिए सभी आप लोग तालियों के साथ हमारे अतिथियों का खिलाड़ियों का आप लोग स्वागत करें। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं पुरुष महान पुरुष दिवंगत पुरुष महामानव के उस कार्य के योगदान के वजह से स्वर्गीय लाल हेम्ब्रम जिसने इस संथाल परगना महाविद्यालय दुमका का जिसने वो संस्थापक जिसने इस कॉलेज का नींव रखा है और आज इस महाविद्यालय से पढ़कर हम लोग बहुत इस महाविद्यालय का हमारे लाइफ में क्या योगदान है हम सभी लोगों भी जानते हैं और पारंपरिक तरीके से यहाँ खिलाड़ियों से हमारे बीच में बीसी मैडम साथ ही साथ हमारे इस टूर्नामेंट के निवेदक प्राचार्य एसपी कॉलेज डॉक्टर किरोधर प्रसाद यादव जी साथ ही साथ सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के बीसी मैडम श्रीमती सोना झरिया मिल साथ ही साथ स्वर्गीय लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के परिवार के सदस्यगण और खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने का जो काम था लगभग लगभग खत्म हो चुका है। उद्घाटन जैसे कि कार्यक्रम पूरा इन बात करते तो खेल नोब और साथ स्टेज पे अब तलाई बार कथा को लय सदर को अभी फाइनली मैदान में दोनों टीम जो एक तरफ है फूलो पानी पाकुड़ या पाकुड़ की टीम और दूसरे तरफ है मुर्मू ब्रदर दुमका की टीम यहां से जो जीतेगा वो 1.5 लाख के हकदार होंगे और जो टीम यहां से हारेगी उस टीम को सिर्फ 1 लाख रुपए का जो रनर अप प्राइज दिया जाएगा। अब देखना है यहां 50,000 का अंतर है प्राइज मनी में और देखना है इस लाल हेम्ब्रम मेमोरियल बनेगा। अब मैं चाहूंगा हमारे अतिथि मंच का जो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए मैं चाहूंगा हमारे वीआईपी मंच में हमारे सम्मानित हमारे सभी अतिथिगण के अलावा मैं चाहूंगा सभी से अंजलि बाबा लाल हेम्ब्रम को जितना भी दिया जाए कम है और ये उस श्रद्धांजलि की एक कड़ी है जो भी की उन्होंने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता से संबंधित भी बड़े बड़े काम किए। उन्होंने लाल सेना का भी गठन किया और उनके नाम जेल की सजा भी हुई परंतु अंततः 21 आज की तारीख 21 अगस्त को
उनका इस पृथ्वी से कूच करना हुआ, पर हम उनके जो उनके जीवित उदाहरण हैं उनको यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बॉल या किसी भी गेम में अनुशासन एक कॉमन बिंदु है, जिससे ना केवल व्यक्ति के का व्यक्तित्व का विकास होता है परंतु उसके द्वारा निखार भी आता है। और इसीलिए हम सभी जो संताल परगना या झारखंड के वासी हैं, हम लोगों में एक एक्स्ट्रा डीएनए खेल के प्रति कुदरत से मिला हुआ है और इसलिए उसको और उच्च शिक्षा के समन्वय को एक साथ लेते हुए हम लोग यदि आगे बढ़ें तो बाबा लाल हेमरम के सपने को हम आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने इतना मान देके मुझे आमंत्रित किया और मैं इस फाइनल मैच की शुरुआत को देखने के लिए आप सबके साथ हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों टीमों को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा खेलें क्योंकि आप एक साल और बाबा लाल हेमरम की याद में जो हम करते हैं उसको आगे बढ़ाने की कड़ी में हैं। धन्यवाद, जोहार। हम सबों का, हमारे कवि जी का, और आपने हम सभी को जिस तरह से प्रोत्साहित किए हैं और आपके प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि आप व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद आपने बेशकीमती वक्त देने का जो काम की है उसके लिए आपको पुनः एक बार फिर से हम लोग पुनः दिल से धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। और मैं पुनः सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा, मैदान के बीचों बीच जिन दो टीमों को आप देख पा रहे हैं, एक तरफ ग्रीन कलर की जर्सी पहने हुए टीम जहाँ मुर्मू ब्रदर दुमका की टीम है और जहाँ नेवी ब्लू जर्सी पहने हुए टीम आप दक्षिणी छोर से खेलते हुए आप देख पा रहे हैं वो है फूलो पानी पाकुड़िया की टीम। इस 2022 के सीजन का इस साल का ये ग्रैंड फाइनल, और मैं बता देना चाहूंगा जो टीम इस मैच को जीतेगी जीतने वाले टीम को 1,50,001 रुपये से सम्मानित किया जाएगा, जबकि इस मैच में हारने वाले टीम को सेकंड प्राइज के तौर पर 1,00,000 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखना है यहाँ से कौन सी टीम यहाँ इस मैदान से विजेता बन करके एक नया इतिहास रचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पुनः एक बार फिर से आप सभी आए हुए सभी दर्शक वृंद का और इस टूर्नामेंट को इतना प्यार से आप लोगों ने लगातार जो 3 दिनों से आपने जो समय देने का जो काम किया है, सभी दर्शक वृंद साथ ही साथ हमारे सभी अति विशिष्ट अतिथिगण जो इस मंच में इस समय मंच पर विराजमान, साथ ही साथ हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, सभी को एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस पर एक ऐसा महामानव इस मंच पर हमारे बीच विराजमान है जिसे कि ब्लड मैन के नाम से मशहूर हैं सौरभ संथालिया, सामाजिक कार्यकर्ता, और वो बराबर वो ब्लड डोनेट करते रहते हैं और हजारों के जान बचाने वाले हमारे बीच सौरभ संथालिया है। जोरों की तालियां होना चाहिए, वो भी हमारे बीच इस समय मंच पर विराजमान है। साथ ही साथ समाज सेवी अभिजीत बक्षी जी वो भी हमारे मंच पर विराजमान है। मैं चाहूंगा उनको हमारे पारंपरिक वेशभूषा से उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहूंगा हमारे ब्लड मैन सौरभ संथालिया जी को मैं आगे बुलाना चाहूंगा और उसको हमारे कार्यकर्तागण उनको हमारे पारंपरिक जो परिधान है पंची पहना करके उनका स्वागत किया जाएगा। आइए।